बदायूं के थाना मूसा झा पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। ट्रक में 463 पेटी लगभग 25 लाख रुपए की शराब बरामद। हरियाणा मार्ग का अवैध शराब ले जाते हुए दो व्यक्तियों को किया गया गिरफ्तार। मामला जनपद बदायूं के मूसा झा थाना पुलिस का है, जहां पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। जिले के तेज तरार SSP अशोक कुमार त्रिपाठी के निर्देशन में अवैध शराब की तस्करी, बिक्री व वितरण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना प्रभारी मूसा झा ललित भाटी के संरक्षण में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना गेट पर बैरियर लगाकर चेकिंग के दौरान एक ट्रक बदायूं से दातागंज रोड की तरफ जा रहा था, जो पंजाब से आ रही थी। अचानक बैरियर पर भारी पुलिस बल देखकर चालक व एक अन्य व्यक्ति द्वारा भागने का प्रयास किया गया, जिन्हें घटना स्थल पर मौजूद स्थानीय पुलिस द्वारा रोककर ट्रक की तलाशी ली गई। ट्रक के ऊपर त्रिपाल बांधा हुआ था, तभी पीछे व आगे की तरफ से POP सफेद पुट्टी के कट्टे लदे हुए थे, जिसकी थाना पुलिस ने तलाशी ली तो उसमें अरुणाचल व हरियाणा मार्का ब्रांड की करीब 463 पेटी अवैध शराब की भरी हुई पाई गई। होली के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए शराब के अवैध परिवहन और निष्कर्षण को दृष्टिगत रखते हुए शासन और DGP मुख्यालय द्वारा निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके तहत एक सुनियोजित तरीके से कार्रवाई की जा रही है, जिसके क्रम में थाना मूसा झा में एक सफलता मिली है, जिसमें चंडीगढ़ से बड़ी ट्रक में 10 टायरा ट्रक में लाद के ले जा रहे 500 पेटी के लगभग अंग्रेजी शराब मिली है, जो चंडीगढ़ से मुजफ्फरपुर बिहार के लिए जा रही थी। इसमें मॉडस ऑपरेंडी ये था कि इसमें इन्होंने सीमेंट की बोरियां जो POP होती है उसको भी रखा हुआ था पीछे की तरफ और आगे की तरफ शराब की पेटियां रखी थी। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई हुई है, भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई होगी। जो शराब बरामद हुई है और कहां कहां इसका स्रोत रहा है, कहां सप्लाई होती है, इसमें बिहार पुलिस से भी लाइजन किया जाएगा और चंडीगढ़ पुलिस से भी लाइजन किया जाएगा।